एनुअल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन एम ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल दे रखा है एबीसी इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं एक्चुअल में एक तो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है ट्रायंगल पीक्यूआर दे रखा है इसमें ये कह रहा है कि ना ट्रायंगल एबी की साइड एबीसी ट्रायंगल की साइड एबी है वो ट्रायंगल पीक्यूआर की साइड पीक्यू के इक्वल है मतलब एबी पीक्यू के इक्वल है बीसी इक्वल है क्यूआर के और मीडियन पीएम एएम जो पीएम एएम जो है किसके इक्वल है मीडियन पीएम के इक्वल है ठीक है मीडियन क्या करती है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है बाइसे करने का मतलब ए बी एम जो होगा वो सी एम के इक्वल होगा या क्यू एन जो होगा एन आर के क्या होगा इक्वल होगा ठीक है। अब इसमें रखा है कि ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है पहली बात तो बी सी जो है क्यू आर के इक्वल है पूरी पूरी साइड आपस में इक्वल है ठीक है बी सी इक्वल है क्यू आर के। अब मीडियन क्या करती है बाइसेक करती है मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से ए बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है अगर मैंने सपोज करो बी सी मान ली 10 सेंटीमीटर की है तो क्यू आर में कितने की होगी 10 सेंटीमीटर की होगी मीडियन क्या करती है अपोजिट साइड को बाइसेक करती है तो मतलब ये कितने की होगी अगर मैंने इसको डिवाइड बाइसेक कर रहा है तो ये बी एम 5 सेंटीमीटर की होगी सी एम में कितने की होगी 5 की होगी पी एम बाइसेक कर रहा है तो क्यू एन में 5 की होगी एन आर में 5 की होगी मैंने सपोज कर रहा था कि बी सी और क्यू आर 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी ये भी 5 की होगी ये भी 5 की होगी ये 5 की यानी मतलब अगर पूरी पूरी इक्वल है बी सी और क्यू आर तो उसकी हाफ हाफ जो होगी बी एम जो होगी क्यू एन की क्या होगी इक्वल होगी रीजन क्या लिखूंगा हाफ ऑफ इक्वल है इक्वल अगर पूरी पूरी साइड इक्वल है तो उसकी हाफ हाफ भी क्या होंगी इक्वल होगी क्योंकि मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है बाइसेक करती है क्लियर समझ रहे हो बात को ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ए एम मीडियन है पी एन एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें पी एन मीडियन है पी क्यू आर ट्राइंगल में जिसपे मीडियन डली है उसकी पूरी पूरी साइड बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक करती है ए एम बाइसेक कर रही है बी सी को तो बी एम सी एन के इक्वल है पी एन बाइसेक कर रही है क्यू आर को तो क्यू एन एन आर के इक्वल है अभी पूरी अगर 10 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की तो ये 5 के तो ये भी कितने होगी 5 अब मुझे क्या प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन को कॉन्वेंट प्रूफ करना है छोटे वाले ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन पहली बार ए बी इक्वल है पी क्यू के गिवन है दूसरी बात बी एम इक्वल है क्यू एन के अगर पूरी पूरी साइड इक्वल है तो उसकी हाफ हाफ भी क्या होगी इक्वल होगी हाफ ऑफ इक्वल आ जाता है हाफ हाफ ऑफ इक्वल आर क्लियर क्योंकि बी सी क्यू एन क्यू आर के इक्वल दे रखी है उसने में और अगर बी सी क्यू आर के इक्वल है तो उसमें मीडियन डली है तो उसको बाइसेक करेगी तो बी एन जो क्यू एन के इक्वल होगी हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल तीसरी बात ए एम इक्वल है बी एन बी ए क्यू एन के ए एम बी एन के इक्वल की बोले दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे कॉन्वेंट होंगे कौन सी प्रॉपर्टी से एस 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 से बाई एस 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 देखो एंगल बी किस पे इक्वल आ गया क्यू के भाई सी पी क्लियर ये फर्स्ट पार्ट टू को ए बी इक्वल आ गया पी क्यू के गिवन था बी एम इक्वल था क्यू एन के हाफ ऑफ सिक्वल इक्वल ए एम इक्वल है क्यू पी एन के गिवन है दोनों ट्रैंगल दोनों एंगल के साइड एंगल साइड एंगल साइड 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 तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा क्यू के भाई सी पी सी अब बड़ा वाला ट्रैंगल लेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर ए बी सी एंड पी क्यू आर कितनी बातें चाहिए 3 पहली बात ए बी इक्वल है किसके पी क्यू के क्यू इक्वल है किसके दूसरी बात एंगल बी इक्वल है क्यू के टू डबल टू डबल तीसरी बात बी सी इक्वल है क्यू आर के गिवन है बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए कॉन्वेंट ट्रायंगल एबीसी कॉन्वेंट है किसके ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस क्लियर कॉन्वेंट ही प्रूफ कर लेते हैं बस पहले हमने ट्रायंगल एबीएम कॉन्वेंट प्रूफ किया और पी क्यू आर मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक करती है मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है बाइसेक अगर पूरी पूरी साइड बी सी क्यू आर के इक्वल है तो उसकी हाफ हाफ भी इक्वल होगी बी एम इक्वल होगी क्यू एन के हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल सिमिलरली सी एम जो है एन आर के इक्वल होगी वैसे उसका मैं यूज नहीं करता ठीक है तो हमने ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी क्यू एन ए बी इक्वल था पी क्यू के गिवन था बी एम इक्वल टू क्यू एन हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल मीडियन ए एम मीडियन बी एन की इक्वल गिवन थी दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए साइड 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 से तो एंगल बी इक्वल आ जाएगा क्यू के बाई सी पी सी डी फिर बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर ए बी इक्वल था पी क्यू के गिवन था एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड आउट और तीसरी बात
कि BC इक्वल टू QR गिवन था, दोनों ट्राइंगल कॉन्वर्ट हो गए किससे, साइड एंगल साइड से। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके क्वेश्चन में कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं, हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, लेकिन उस ट्राइंगल क्वेश्चन में हमने इसको डिफरेंट तरीके से प्रूफ किया था, एंगल एंगल साइड से। आज हमें प्रूफ ही से करना है कि BEN CF आर इक्वल एल्टीट्यूड, इक्वल भी और एल्टीट्यूड भी है। तो इक्वल जो होते हैं, इक्वल है BE CF के और एल्टीट्यूड मतलब 90 का एंगल बनाता है। यूजिंग RHS, RHS प्रॉपर्टी लगानी है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑफ साइड, प्रूफ दैट द ट्रायंगल ABC इज एसएलएस ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें BE और CF जो इसके इक्वल एल्टीट्यूड है, ये BE हो गया एल्टीट्यूड है और CF भी एल्टीट्यूड है, तो ये 90 के हो गए। अब मुझे ये दिखाना है कि जो बी प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी कैसे ट्राइंगल है, एसोसेलस ट्राइंगल। देखो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे बीईसी और बीएफसी, ठीक है, इन ट्राइंगल बीईसी इन ट्राइंगल बीएफसी, इतनी बातें चाहिए हमें, तीन बातें चाहिए। पहली बात, एंगल ई इक्वल एंगल एफ के 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, हो गया राइट एंगल। अब एफ के सामने वाली साइड बी सी है, एंगल बी एफ सी में, और बी ई सी में भी ई के सामने वाली साइड बी सी, बी सी इक्वल बी सी के कॉर्नर, राइट एंगल हो गया हाफ डिग्री। और तीसरी बात क्या है, बी जो है सी एफ के इक्वल दे रखा है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हो गए बी आर एच एस आर एच एस, देयरफॉर एंगल बी इक्वल आ जाएगा सी के। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं ना, तो ट्रायंगल पता कैसा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलस ट्रायंगल, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल सी के बाई सिमिलरिटी, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखो हमें इसमें करना क्या था, आइसोसेलस ट्रायंगल प्रूफ करना था, हमने क्या किया, बी और आर एच एस से प्रूफ करना, ये और ट्रायंगल ए बी सी, देखिए आपको बी सी ट्रायंगल, और उसके बाद दिया हमने बी एफ सी, पहली बात एंगल ई इक्वल एंगल एफ के 90, दूसरी बात बी ई सी और बी एफ सी दोनों ट्राइंगल में बी सी आ रही है, बी सी इक्वल है बी सी के इक्वल, तीसरी बात बी जो है वो सी एफ के इक्वल है, गिवन दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, कोई कोई सी प्रॉपर साइड ले लो, लेकिन राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, होने को ये इससे भी हो सकता था एंगल एंगल और साइड से, लेकिन हमें एंगल एंगल सही से प्रूफ नहीं करना, आर एच एस से प्रूफ करना है। अब आर एच एस से कहें तो आर एच एस से करेंगे, एंगल एफ इक्वल एंगल ई के 90 डिग्री ईच है, बी सी इक्वल बी सी के कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया, और बी इक्वल थी सी एफ के गिवन था, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए, तो बी इक्वल आ गया सी के, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाता है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, अपोजिट साइड से इक्वल अपोजिट एंगल, वैसे भी अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो आपके 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, कल ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू।